इधर जो प्लान हमने अभी किया है ना, इसमें हमने दो रूम, इसके साथ अटैच टॉयलेट, यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट, यहाँ पर हमने सिंपल सा बिल्डिंग प्लान बनाया है जिसमें देखिए स्टेयर, उसके साथ देखिए ऊपर में एक सेफ्टी टैंक। तो इसका मेजरमेंट आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो कैसे है इसका मेजरमेंट, क्या क्या है, चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें जो दिखाना है यहाँ पर देखिए, इधर से तो आपको घर के अंदर आना है इधर, ठीक है। आने के बाद इधर एक पोर्च आपको दिखाई देगा, ओके पोर्च। पोर्च यहाँ पर एक डोर, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर किचन, यहाँ पर डाइनिंग, ओके एक गांव का प्लान है। यहाँ पर डाइनिंग, यहाँ पर डोर, उसके बाद देखिए बाहर के तरफ से इधर आपको दिखाई देगा यहाँ पर लॉबी, ओके इधर जो है लैंडिंग स्टेयर का, ओके और इधर जो है देखिए यहाँ पर हमने सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक बेडरूम हम प्रोवाइड करेंगे, बेडरूम यहाँ पर, ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक बेडरूम हम प्रोवाइड करेंगे, बेडरूम तो इसका डोर इधर, इसका डोर इधर। देखिए हम दो घर के साथ यहाँ पर टॉयलेट, टॉयलेट प्लस बाथ, यहाँ पर भी टॉयलेट प्लस बाथ हम अटैच करेंगे। तो प्लानिंग कैसे दिखाई देगा इस टाइप का, ठीक है। तो इसके अंदर हम मेजरमेंट ऐड करेंगे, ठीक है, क्या क्या मेजरमेंट है। तो आपको, आपके पास अगर जगह है इस मेजरमेंट के वाइज, देखिए यहाँ पर पहले रूम का जो मेजरमेंट है यहाँ पर हम 12 फीट इधर गैप रखेंगे और इधर 11 फीट, ओके ऐसे गैप रखेंगे 11 फीट बाई 12 फीट। इधर कितना रखेंगे, इधर देखिए 11 फीट हम इधर गैप रखेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे 12 फीट, ओके। तो आपको 12 फीट को इसको डिवाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम ड्राइंग डाइनिंग रूम जहाँ पर रखेंगे तो हमें तो इधर 11 फीट ही मिलेगा, ठीक है। और इधर जो हमें मिलेगा देखिए यहाँ पर पहले हमें सेट करना है, इधर इधर हम पोर्च एरिया में कितना रखेंगे, देखिए इधर से हम ऐड करेंगे यहाँ पर 6 फीट, तो 6 फीट उसके बाद देखिए 4 फीट, तो यहाँ पर भी हम 11 फीट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्टेयर का जो एरिया है यहाँ पर हम 6 फीट वाइड रखेंगे, इधर हम रखेंगे 7 फीट 6 इंच वाइड, ओके यहाँ पर हम रखेंगे 3 फीट 6 इंच वाइड, ओके देखिए ऐसे दिखाई देगा। तो लैंडिंग एरिया में यहाँ पर हमें 3 फीट मिल जाएगा, 3 फीट 6 इंच। और यहाँ पर जो पार्ट है यहाँ पर हम 4 फीट 8 इंच और यहाँ पर हम 10 फीट रखेंगे जो है सेफ्टी टैंक। तो इसमें जो 12 फीट है इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसको यहाँ पर हम जो प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर यहाँ पर जो पार्ट आएगा यहाँ पर हम 5 फीट, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों को 6 फीट 6 फीट कर सकते हैं लेकिन 5 इंच के लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसे करके आप बना सकते हैं प्लान को। तो वो यहाँ पर जो पोर्च एरिया इधर टोटल आप कितना रख सकते हैं, यहाँ पर 8 फीट, ओके तो 8 फीट रखेंगे। तो आपको टोटल कितना स्क्वायर फीट आएगा ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए आप ड्राइंग एक बार देख लीजिए, इधर 33 फीट 2 इंच टोटल आपका मेजरमेंट इधर आपको दिखाई देगा। 5 इंच का वॉल, 5 इंच का वॉल, 5 इंच का वॉल, 5 इंच का वॉल। अगर 10 इंच आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो इधर जो मेजरमेंट है हम यहाँ पर अभी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे इंक्लूडिंग 5 इंच वॉल। 23 फीट 8 इंच हम इधर दिखेंगे, इधर 33 फीट 2 इंच इधर का, ठीक है। ये जो पार्ट है पूरा पार्ट इधर देखिए 23 फीट 8 इंच। तो इसका जो टोटल स्क्वायर फीट आपको कितना आएगा वो भी हम आपके साथ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ पार्ट इधर आउट हो जाएगा, इधर देखिए कुछ पार्ट यहाँ पर नहीं है, तो इस पार्ट को हम माइनस करेंगे, उसके बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसका जो है 750 स्क्वायर फीट के अंदर
आपको हाउस प्लान डिज़ाइन मिलेगा, ठीक है, 750 स्क्वायर फीट। तो प्लानिंग डिज़ाइन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना, इसमें कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसके साथ हम थोड़ा सा कॉलम भी शेयर करेंगे आपके साथ, देखिए 1, 2, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ओके, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, ओके, यहाँ पर 9, 10, 11, 12, ओके, ऐसे करके आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं।